अंधक राक्षस के गणपति बनाने की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, मंदराचल पर अंधक दैत्य किस प्रकार दमन किया गया तथा शिव ने किस प्रकार अपना गणपति बनाया सो हमसे कहो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अंधक पर कृपा और बल प्रदान संक्षेप से कहता हूँ। हिरण्याक्ष का पुत्र पूर्व में अंधक नाम से प्रसिद्ध था। उसके सोने के से नेत्र थे। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्य होने का वरदान प्राप्त कर लिया। त्रिलोकी को जीत कर भोगने लगा। इंद्र आदि देवताओं को पीड़ा देने लगा। देवताओं को अनेक प्रकार से ताड़ना देने लगा, जिससे वे डरकर मंदराचल में आकर रहने लगे। फिर इंद्र आदि सब सिद्ध और ऋषियों के साथ महेश शिव जी के पास आकर बोले, हे महाराज, अंधक के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हुए हम बड़े दुखी हैं। ऐसा सब वृत्तांत सुनकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ अंधकासुर के पास आए। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सब सुरेश्वर, देवेश्वर तथा मुनीश्वर भगवान शिव की जय हो ऐसे वचन बोलने लगे। अंधक अपने बाणों से सब देवताओं को छिन्न भिन्न करने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने उसे अपने शूल से भेद कर ऊपर को टांग लिया। भगवान के दर्शन से पाप रूपी कवच उसका दूर हो गया। यह देख ब्रह्मा जी शंकर को प्रणाम कर बड़े जोर से नाद करने लगे। देवता भी प्रसन्न होकर जोर से शब्द करके प्रशंसा करने लगे और पुष्पों की वर्षा भगवान पर करने लगे। तीनों लोकों में आनंद और हर्ष होने लगा। शूल से जिसके पाप दग्ध हो गए हैं, वह दैत्य सात्विक भाव से विचार करने लगा, जन्मांतर में भी देव देव शंकर ने मुझे दग्ध किया था और शंकर की आराधना मैंने की थी। प्राणांत समय में जो शंकर का स्मरण करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। बहुत स्मरण करने वाले की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इनकी शरण में रहते हैं। अतः शिव की शरण में ही मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अंधक शिव जी की गणों सहित स्तुति करने लगा। शिव जी उसकी स्तुति से प्रसन्न हो हिरण्याक्ष के पुत्र जो सूर्य के मध्य में शूल पर टंगा है उससे बोले, वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। शिव की ऐसी वाणी सुनकर वह दैत्य हर्ष से गदगद हो महेश्वर से बोला, हे देव देवेश, भक्तों के दुख दूर करने वाले शंकर, मुझसे प्रसन्न होइए और भक्ति रूप वरदान मुझे दीजिए। ऐसे अंधक के वचन सुनकर भगवान ने दुर्लभ और शुद्ध बुद्धि दी तथा शूल से उतार कर उसे गणपति पद पर अधिष्ठित किया। तब तो गणपति पद पर उसको अधिष्ठित जानकर सभी देवताओं ने उसे प्रणाम किया। हिरण्याक्ष के द्वारा डूबी हुई पृथ्वी पर वाराह भगवान के द्वारा उद्धार। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था, उसको विष्णु ने कैसे मारा और विष्णु ने वाराह रूप कैसे धारण किया तथा उनका सींग शिव जी का भूषण कैसे हुआ, सो हे सूत जी, यह सब कथा हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हिरण्यकशिपु का भाई और अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। वह काल के समान था। उसने सभी देवताओं को जीत कर पृथ्वी को भी रसाताल में ले जाकर बंदी बना लिया था। ब्रह्मादिक सभी देवताओं को ताड़ना देने लगा। तब सभी देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभो, हिरण्याक्ष दुष्ट ने पृथ्वी को बंदी बना लिया है और हम सब उसके भय से बड़े दुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने घोर वाराह का रूप धारण किया और दंष्ट्रा के आगे के भाग से उस महादैत्य का संहार किया। इसके बाद रसाताल में जाकर वहां से पृथ्वी को लाकर पूर्ववत स्थापित किया। तब सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए, आपने इस महा असुर को पुत्र भृत्य आदि के सहित अपनी दाढ़ के अग्र भाग से ही मार दिया, आपकी जय हो। इस प्रकार की स्तुति करते हुए सब देवताओं ने भूमि पर सिर रखकर वाराह भगवान को प्रणाम किया और पुनः पृथ्वी की वंदना करने लगे। हे धरणी, हे देवी, तुम लोकों को धारण करने वाली हो। हे मृतिके,
सब पापों को दूर करो। हम सब मन, वचन और कर्म से तेरी स्तुति कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे द्विजो, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की गई, पृथ्वी प्रसन्न होकर उनसे बोली, वराह भगवान की दाढ़ के द्वारा दुखी हुई मृतिका को जो मस्तक पर धारण करेगा, वह सब पापों से छूट जाएगा। वह आयुष्यमान, बलवान, धनवान और पुत्र पौत्रों से युक्त इस लोक में सुख भोगकर परलोक में देवों के साथ क्रीड़ा करेगा। इसके बाद वाराह भगवान क्षीर सागर को चले गए। उनकी दाढ़ को देव देव महेश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसका भूषण बनाकर दाढ़ी के नीचे हृदय पर धारण किया। उस समय सब इंद्र आदि देवताओं ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार देवाधिदेव विष्णु ने धरा को स्थापित किया, जो सब जीवों का आधार है और विष्णु भगवान का कलेवर है। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य देवों के साथ भगवान भव ने लीला की और विष्णु के अंग विभाग धाड़ से भूषित हुए। इसी से महेश्वर को दंश्री कहा गया है। शिव जलंधर युद्ध तथा जलंधर का वध। ऋषि बोले, जटा के मुकुट वाले, भग के नेत्र हरने वाले शंकर ने इंद्र के पराक्रम को हरण करने वाले जलंधर का वध किस प्रकार किया था? सो हे सूत जी, आप कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, जल मंडल से उत्पन्न जलंधर नामक दैत्य था। उसने तपस्या से बहुत बल प्राप्त किया। उसने यक्ष, गंधर्व, उरग, देव, दानव सभी को जीत लिया, ब्रह्मा को भी जीत लिया। फिर देव देव विष्णु को जीतने के लिए उनके साथ लगातार युद्ध किया। जलंधर ने विष्णु को भी जीत लिया। जलंधर जनार्दन को जीत कर विष्णु से बोला, मैंने तुमको युद्ध में जीत लिया, अब केवल शंकर बाकी है। उसके गणों के साथ और नंदी के साथ क्षण मात्र में जीत कर मैं ही रुद्र पने को, ब्रह्म पने को तथा विष्णु पने को और इंद्र पने को तुम्हारे लिए प्रदान करूंगा, ऐसा राक्षसों से कहा। जलंधर के ऐसे वाक्य सुनकर राक्षस बड़े जोर से शब्द करने लगे। दैत्यों के साथ रथ, घोड़ा, हाथी आदि को लेकर यह महाबली शिवजी के पास गया। भग के नेत्रों का नाश करने वाले शिवजी ने इसको अवध्य सुन रखा था। ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करते हुए शंभु, पार्वती और नंदी आदि गणों के सामने हंसते हुए कहने लगे कि मुझको अब क्या करना चाहिए। फिर राक्षस से बोले कि हे दैत्यराज, मेरे बाणों से छिन्न मस्तक वाला होकर तू मृत्यु को प्राप्त होगा। जलंधर शिव के वचन सुनकर बोला, हे वृषभध्वज, ऐसे वचनों से क्या लाभ? चंद्रमा के समान चमकते हुए शस्त्रों से लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर रुद्र ने पैर के अंगूठों से जल ही जल कर दिया और हंसते हुए बोले कि मेरे पैर के द्वारा बने इस महासमुद्र में से यदि तू बाहर निकल आवे तो मेरे साथ युद्ध में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। हंसता हुआ जलंधर बोला कि हे शंकर, तुझे गदा के द्वारा और देवताओं सहित इंद्र को मार कर मैं चराचर को हनन कर सकता हूँ, जिस प्रकार सर्प के बच्चों को गरुड़ मार डालता है। हे शंकर, ऐसा कौन है जो मेरे बाणों से छेदन न किया गया हो? मैंने बालकपन में तपस्या से ब्रह्मा को जीत लिया, जवानी में देवता और ऋषि मुनियों को, तपस्या के बल से मैंने तीनों लोगों को क्षण मात्र में दग्ध कर दिया। हे रुद्र, तेरी क्या, विष्णु को मैंने जीत लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर आदि देवता मेरी गंध को भी नहीं सह सकते, जैसे नाग गरुड़ की गंध को नहीं सह सकते। पृथ्वी और आकाश में मेरी सब जगह बुझाएं फैली हुई हैं। उनकी खुजली मिटाने के लिए मंदराचल आदि पर्वतों को मींड डाला, गंगा को भी रोक दिया, एरावत गज को भी समुद्र के जल में फेंक दिया, ब्रह्मा का मुख भी उल्टा कर दिया, रथ सहित इंद्र को भी 100 योजन दूर फेंक दिया, गरुड़ को नागपाश में बांध दिया, उर्वशी आदि अप्सराओं को भी कारागर में बंद कर दिया। जैसे तैसे इंद्र ने प्रार्थना करके और शरण में आकर एक शची को मेरे से प्राप्त कर लिया है। सो हे रुद्र, तू मुझे नहीं जानता। ऐसा कहने पर महादेव ने नेत्र की अग्नि द्वारा उसका रथ भस्म कर दिया और दृष्टि मात्र से अन्य राक्षसों के घोड़े,
रथ आदि को दग्ध कर दिया। वह दैत्य चलायमान नहीं हुआ और मरे हुए बांधवों का सोच भी नहीं किया। सुदर्शन चक्र से रुद्र को मारने को तैयार हुआ। सुदर्शन चक्र को चलाने के लिए जैसे ही उसने अपने कंधे पर रखा, तैसे ही सिर से लेकर पैरों तक दो भागों में कटकर पृथ्वी पर गिर गया, जैसे वज्र से कटा हुआ पर्वत गिर गया हो। उसके रक्त से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और रुद्र के नियोग से उसका मांस भी रक्त हो गया। वही रक्त महारौरव नर्क को प्राप्त हो रक्त का कुंड बन गया। जलंधर को मरा देखकर सभी देव, किन्नर, यक्ष आदि हर्ष से गर्जना करने लगे। हे देव, अच्छा हुआ आदि कहने लगे। इस जलंधर वध को जो कोई पढ़े, सुने या सुनावे, वह शिवजी के गणपत्य रूप को प्राप्त होता है।